हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोबॉडीज राइट ना क्वेश्चन इज़ व्हाट आर माइक्रोबॉडीज़ बेटा अब माइक्रोबॉडीज़ होती हैं ना वो छोटी छोटी ऑर्गनैलीज़ होती हैं राइट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनैलीज में बेसिकली आती हैं इसमें दो तरह की ऑर्गनैलीज होती हैं एक हैं प्रोक्सीसोम्स और एक है ग्लाई ऑक्जीजोम्स ग्लाई ऑक्जीसोम्स प्रोक्सीजोम्स एंड ग्लाई तो हम राइटिंग पहले मैं आपको परॉक्सीसोम्स करा रही हूं प्रोक्सीसोम्स प्रोक्सीसोम्स एक्चुअली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेलिज होती हैं दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेल्स ओके okay? और ये दोनों में मिलती हैं फाउंड बोथ इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल ओके दोनों में प्लांट्स में बात करूं तो बेटा प्लांट्स में ये जो प्रोक्सीसोम्स होती हैं ये माइटोकॉन्ट्री और क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट रहती हैं और एक सिस्टम चलाती है उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे लेकिन स्टिल मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी सो इन प्लांट्स प्रोक्सीसोम्स गेट एसोसिएटेड दे गॉट एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट

फोटोसेंथिस के टाइम पे जब सी ओ टू बहुत ज़्यादा रिलीज होती है और सी ओ टू यूज़ हो रही होती है तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो प्लांट यूज़ करने शुरू कर देता है इन देंस ऑफ लाइट और फोटोसेंथिस का रेट कम हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरीशन तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम फोटोसेंथिस वाला चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरीशन ओके ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं अगर मैं ह्यूमन बींग्स में ये जो प्रॉक्सीसोम्स होती हैं ना ये हमारे लीवर और किडनी के साथ एसोसिएट होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं इन ह्यूमन बींग्स प्रॉक्सीसोम्स आर प्रेजेंट इन लीवर एंड किडनी लिवर एंड किडनी और ये जो प्रॉक्सीसोम्स होती हैं ना इनमें प्रेजेंट होते हैं इन्जाइम्स कौन से इंजाइम्स ऑक्सीडेजेज बेटा तो ये किस में हेल्प करेंगे ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे राइट दे हेल्प इन द ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस क्योंकि बेटा किडनी और लिवर में जो हार्मफुल चीजें होती हैं वो हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो कौन कन्वर्ट करेगा प्रोक्सीसोम्स, सो ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन बींग्स प्रॉक्सीसोम्स आर प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी एंड कंटेन ऑक्सीडेज इन्जाइन्स

राइट right? तो वो यूरिक एसिड यूरिया इनमें कन्वर्ट होता है तो ये सारा काम यूरिक एसिड या यूरिया में कन्वर्ट करना ये हमारे प्रोक्सीजोम्स का काम होता है हमारे लिवर और हमारी किडनी में ओके नेक्स्ट माइक्रोबॉडी है ग्लाइऑक्सिसोम्स ओके ग्लाइऑक्सिसोम्स बेटा बेटे ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होती है ना दीज आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स राइट दे आर फाउंड ओनली इन द प्लांट्स ओके और इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बीवर्स इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बीवर्स एंड इसने डिस्कवर करा था फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर सीड एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर बेटा कैस्टर इज आर अंडी आर अंडी का तेल आपने सुना होगा कैस्टर ऑयल इज़ वेरी फेमस इट्स वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ राइट सो एंडोस्पम यू नो एंडोस्पम डबल फर्टिलाइजेशन आपको पता है टेंथ क्लास में पढ़ के आयो कि एक फर्टिलाइजेशन से तो एम्ब्रियो बनता है और एक फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बेटा एंडोस्पम नरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो उस न्यूट्रीशन को देने के लिए एंडोस्पम बनता है तो ग्लाइ की डिस्कवरी हुई थी प्लांट्स में कैस्टर के एंडोस्पम से करी थी साइंटिस्ट बीवर्स ने बाय बीवर्स ओके गॉट इट नाउ बेटा ये त, ये जो ग्राइक्स uh, होते हैं ना ये तभी आते हैं ये तभी अपीयर होते हैं जब सीड ने जर्मिनेट करना शुरू करना होता है अदरवाइज नहीं होते हैं सीड्स में सो दे स्टार्ट टू अपीयर दे स्टार्ट टू अपीयर व्हेन जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस ओके तो जब सीड ने जमिनेशन शुरू करनी है ना तभी बेटा ये अपीयर होती हैं राइट right? और ये तब तक रहती है जब तक जो स्टोर्ड फूड होता है ऑब्वियसली बेटा अगर सीड है तो उसमें स्टोर्ड फूड तो होगा उसके कॉटेडन्स में है ना उसके एंडोस्पा में स्टोर्ड फूड होता है जब तक स्टोर्ड फूड आगे स्टॉलुबलाइज नहीं हो जाता मतलब स्टोर्ड फूड जब तक कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक ये रहती हैं सो दे स्टार्ट टू अपीयर व्हेन जर्मिनेशन ऑफ द सीड बिगिन टू टेक्स प्लेस एंड व्हेन द स्टोर्ड फूड इज कन्वर्टेड स्टोर्ड फूड इज कंज्यूम एक्चुअली राइट एंड ये जो होती है ना ग्लायो दे हेल्प इन दे इन ग्लूको जेनेसिस स्टूडेंट्स ये आपके लिए न्यू टर्म है अभी ग्लूको न्यू जेनेसिस मे भी मैंने पहले भी करवाई हो आई डोंट रिमेंबर दिस ग्लूकोज 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 न्यू वर्ड इज फॉर न्यू एंड जेनेसिस फॉर फॉर्मेशन सो यहाँ पे नई ग्लूकोज की फॉर्मेशन होएगी कहाँ से होएगी मे बी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बन जाए ग्लूकोज सो हेयर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज गॉट एट ओके एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द हीस्ट एंड गार्ड सेल्स ऑल्सो गाओक्सोसोम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन हीस्ट एज वेल एज इन गार्ड सेल्स ओके तो यहाँ तक बेटा हमारा ये माइक्रोबॉडीज़ का टॉपिक होता है कंप्लीट माइक्रोबॉडीज़ में हमने दो पढ़ी हैं एक से एक ग्लायोक्सीसोम दोनों कंप्लीट अब हम पढ़ेंगे साइटोस्केल्टन दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर साइटोस्केल्टन बट किसके लिए होगा साइटो वर्ड इज फॉर सेल वी नो दैट इट्स अ सपोर्टिंग नेटवर्क इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है ना तो सेल को भी कोई स्केल्टन चाहिए राइट right? तो ये क्या होगा ये स्केल्टन बेटा ये स्केल्टन साइटोस्केल्टन माइन्यूट छोटी छोटी फाइबर्स होंगी टू टि, लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं जो कि सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी सो व्हाट इज साइटोस्केल्टन साइटोस्केल्टन कंसिस्ट्स ऑफ माइन्यूट फाइब्रस ट्रिब्यूलर स्ट्रक्चर्स and that provide structural framework that provide structural framework to the cell to so, cell ki shape cell ki structure ko maintain karne ke liye there must be a cytoskeleton तो so, अगर मैं शे अगर मैं स्ट्रक्चर सॉरी फंक्शन की बात करूँ तो एज अ होल इसका फंक्शन क्या है साइटोस्केल्टन तो का अभी मैंने बोला इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल ओके दिस इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अब कि ये शेप को मेंटेन करवा रहा है अभी आपको बाकी चीजें नहीं पता वो मैं आगे डिस्कस करूंगी लेकिन मैं आपको फंक्शन बता रही हूं इसका कि इसका जो फंक्शन होता है दैट इज सेल डिवीजन इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड इवन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द सेल सेल की मूवमेंट में राइट right? और बेटा आपको पता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा पैरामीशियम मेनली पैरामीशियम की बात अगर मैं करूं तो वो साइक्लॉसिस शो करता है साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्म की मूवमेंट तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट कैसे होगी अगर साइटोस्कैल्टन मूव करेगा ये जो फाइबर्स होंगी वो कंट्रैक्ट करेंगी तभी साइटोप्लाज्म मूव कर पाएगा सो साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट और स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज बिकॉज ऑफ साइटोस्केल्टन राइट अब मैं आपको साइटोस्केल्टन की टाइप्स पढ़ाती हूँ, कितने तरह की फाइबर, फाइबर्स होती हैं साइटोस्केल्टन में आती है तीन तरह की फाइबर्स एक होती हैं माइक्रोफिला एक होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और एक होती हैं माइक्रोटिब्यूल्स तो हमने इनको बारी बारी करके डिस्कस करना है microfilaments intermediate filaments and the microtubules got it okay so let's begin our discussion with microfilaments microfilaments okay now as we know that but a micro word with a small ke liye. दे आर लॉन्ग नैरो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे नजर नहीं आएंगे ये माइक्रोस्कोप से ही नजर आएंगे और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रो माइक्रोस्कोप से ही नजर आएंगे अगर मैं इनकी थिकनेस की बात करूँ दे आर जस्ट सिक्स टू एट नानोमीटर्स इन थिकनेस राइट दे आर लोंग दे आर ट्रिब्यूलर नैरो पतली होती हैं एंड दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ओके okay. और अगर हम बात करें ये बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होती हैं बट होती है में ही हैं रिमेंबर वन थिंग दे आर फाउंड इन द यूक्रियाट्स प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ दे आर इन दे आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स बोथ ओके और अगर हम बात करें आगे बेटा माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो बंडल्स में मिलती हैं ये देखो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे ये देखो ये हमारे पास सेल है ये मैंने सेल की माइक्रोविलाई दिखाई हुई है माइक्रोविलाई यू नो दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं ये ये न्यूक्लियस है इसका और अगर आप ध्यान से देखो मैं अभी बनाने वाली हूँ मैं कलर चेंज कर देती हूँ ये देखो ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये जो मैं बना रही हूँ ना बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये मैं बना रही हूँ माइक्रो फिलामेंट्स मे बी यू आर नॉट बीन एबल टू गेट अ गेट मैं जूम कर देती हूँ डायग्राम को ये देखो ध्यान से अभी ये देखो ये तो ये जो मैंने फिलामेंट्स बनाई है ना बेटा ये वाली दीज फिलामेंट्स आर एक्चुअली वॉट दीज आर माइक्रो फिलामेंट्स ओके सो दे आर प्रेजेंट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देआर फाउंड इन बंडल्स ये ना बंडल्स में होती हैं हैक्सागन बनाती हैं लाइक दिस सो दे फॉर्म बंडल्स हैक्सागन ओके फाइन सो दे प्रेजेंट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की अब कि इनका इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है वट आर द फंक्शक्शक्शन ऑफ माइक्रोफिलाेंट सबसे पहली बात सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी ये ओके दीज प्रोवाइड सपोर्ट बेटा ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट बिलो द प्लाजम मेम्ब्रेन और ये सेल को सपोर्ट तो दे ही नहीं हैं है ना सेकेंड दे हेल्प इन साइक्लॉसिस बेटा मैंने अभी बोला था आपको साइक्लॉसिस क्या होता है स्ट्रीमिंग मोमेंट ऑफ साइको अगर माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे कंट्रैक्ट करेंगी लाइक दिस तो साइटोप्लाज्म जो सराउंडिंग पड़ा होगा वो तो बेटा मूव करेगा ही ना अगर अगर ऑब्वियसली अगर माइक्रोफिलामेंट्स कंट्रैक्ट करेंगी तो जिस लिक्विड में वो पड़ी हैं तो वो तो कंट्रैक्ट कर वो तो खुद मूव करेगा ही सो सेकेंड इज साइक्स थर्ड पॉइंट इज द सूडोपोडिया बेटा सूडोपोडिया क्या होता है फॉल्स फुट है ना फॉल्स फुट जैसे ये हमारे पास मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ अभी ये देखो ये मैंने अमीबा की डायग्राम ड्रॉ करती है सी स्ट्रक्चर होती है अमीबा की राइट right? तो बेटा ये बनना सूडोपोडिया बनना और रिट्रैक्ट होना हमेशा तो नहीं ऐसे होता ये नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट मोमेंट मोमेंट पे कैसा होगा ये देखो अमीबा इस तरह का राइट right? तो ये सूडोपोडिया का बनना और उसका रिट्रैक्ट होना मतलब ना बनना बनना और आ, वो सूडोपोडिया जो है वो लॉस्ट होना उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं राइट right? तो ये सारा किसका काम है ये सारा काम होता है माइक्रोफिलामेंट्स का राइट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ऑर्गेलीज ऑब्वियसली बेटा ऑर्गनालीज भी तो साइटोप्लाज्म में ही हैं है ना अगर साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो ऑर्गेनालीज भी तो मूव करेंगी सो ऑर्गेली मूवमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रोफिलाेंट्स फाइन ओके नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ द फिब्रोब्लास्ट फिब्रोब्लास्ट बड़ा सेल्स का नेम है ये फिब्रोब्लास्ट या फाइब्रोब्लास्ट भी बोल सकते हो आप इनको ये जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ना ये कैसे मूव करते हैं ये ना अपनी मेम्ब्रेन की आंडुलेशन करते हैं लाइक दिस इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं आंडुलेशन है लाइक दिस like तो ये आंडुलेशन तभी पॉसिबल हो सकेगी अगर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रिन मूव करेगी और प्लाज्मा मैमब्रेन तभी मूव करेगी Agar microfilaments contract ongi to. So undulation of plasma membrane of fibroblast help them to move. And this undulation is due to. Due to contraction of microfilaments. So undulation of plasma membrane. Help. In the movement of fibroblasts and this undulation occur due to contraction of microfilaments got it okay now sixth point another jo hai inka that is uh, stabilization 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 means बेटा आपको ये भी पता है ना कि देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं ड्रॉ कर रही हूँ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो प्रोटीन को स्टेबल करना मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को स्टेबल करने के लिए नीचे ये फाइबर्स प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स ये जो फाइबर्स हैं इन प्रोटीन्स को क्या करेंगे स्टेबल करेंगी सो दे हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन ऑफ वॉट स्टेबलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मैम स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा पी एम इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके तो ये हमारे पास हो गई माइक्रो फिल्मेंट्स अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ फिलामेंट्स की बात करेंगे दैट आर इंटरमीडिएट फिलाेंट्स इंटरमीडिएट फिलाेंट्स ओके okay. बेटा इनका नाम इंटरमीडिएट क्यों पढ़े इनका नाम इंटरमीडिएट क्यों इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी थिकनेस माइक्रोफिलामेंट्स और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं माइक्रोट्यूल्स उनके बीच होती है राइट right? तो मैं अक्रंस की बात करूंगी पहले बटा दे आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स इन ओनली एनिमल सेल्स इन प्लांट सेल्स दे आर एब्सेंट सो दे आर एब्सेंट इन इवन कहाँ कहाँ पे एब्सेंट हैं एब्सेंट इन आर बी सीज और प्रोटेस्टा में नहीं होते प्लांट्स में प्रोक्रॉर्ट्स में ये एबसेंट है ओके सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल्स और एनिमल्स में तो हैं लेकिन कुछ कुछ जैसे आरबीसी में नहीं है प्रोटेस्टा में नहीं है अब इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्यों कहा जाता है बेटा जो इनकी थिकनेस है ना थिकनेस ऑफ दीज फिलाेंट्स इज़ टेन नानोमीटर्स दस नानोमीटर इनकी थिकनेस एंड दैट इज़ इन बिटवीन इन बिटवीन किसके इन बिटवीन द जो हमने पहले पढ़े हैं दैट इज़ माइक्रो फिलाेंट्स और जो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज़ द माइक्रोटिब्यूल्स उनके बीच की थिकनेस होती है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना ये लॉन्ग होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं और इनकी रोप की तरह स्ट्रक्चर होती है राइट लॉन्ग अनब्रांच रोप की तरह ओके okay? और इनकी थिकनेस मैं आपको बता रही थी दैट इज टेन नैनोमीटर्स, फाइन तो लेट्स टॉक अबाउट देयर फंक्शन हां जी तो इनके फंक्शंस की हम बात करेंगे फर्स्ट फंक्शन है इनका दैट इज ये न्यूक्लियर का मैट्रिक्स बेटा मैं आपको करवा चुकी हूँ ये मैट्रिक्स याद है न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में मैंने बताया था फिलामेंट्स होती हैं और न्यूक्लियस के मैम्ब्रेन के नीचे फिलामेंट्स काफ़ी इकट्ठी हुई होती हैं उसको हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं तो वो जो मैट्रिक्स था ना उस मैट्रिक्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही थी सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स गा डेट सेकेंड सेकेंड इज बेटा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टू द न्यूरोन न्यूरोन का जो एक्जॉन होता है ना लॉन्ग पार्ट ये वाला जैसे ये न्यूरोन है ये देखो ये जो पोर्शन होता है ये लॉन्ग वाला ये एक्जॉन होता है सो दिस प्रोवाइड These filaments provide strength to axon. Okay. Next, third is they uh, actually they form the structural proteins. तो so, ये हमारी body के जो structural proteins होते हैं हमारे skin के और hair के ये बनाते हैं. Keratin protein होता है ना हमारे skin और hair में. तो so, इनी filaments के होते हैं वो. राइट सो स्ट्रक्चुरल प्रोटीन्स तो कैरेटिन फिलामेंट्स होती हैं हमारी हेयर में वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ही होते हैं सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स दे फॉर्म मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ स्किन एंड हेयर राइट और तो और नेक्स्ट पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट दैट इज दे प्रोवाइड सपोर्ट दे प्रोवाइड सपोर्ट बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एपिथीलियल सेल्स को ये कौन से होते हैं कवरिंग सेल्स बोलते हैं इनको हमारे बाहर या हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो भी सबसे कवरिंग होती है उसको हम एपिथीलियल बोलते हैं राइट right? तो ये एपिथीलियल सेल्स को सपोर्ट देते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देते हैं और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देते हैं सो दे सपोर्ट एपिथीलियल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन

तो न्यूक्लियस के अराउंड भी ये प्रेजेंट होती हैं तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं सो हैंड्स से प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू न्यूक्लियस फाइन एक्चुअली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ना चार तरह की होती हैं कैरेटिन न्यूरो फिलामेंट्स और ग्लियल फिलामेंट्स और हाइट्रोजिनस फिलामेंट्स कैरेटिन तो बेटा हमारे आ, प्रोटीन का हिस्सा बन जाएगी हमारे स्किन और हमारे हेयर का न्यूरो फिलामेंट्स ये लैटिस की तरह जैसे लैटिस होता ना लैटिस की तरह स्ट्रक्चर बना देगी न्यूक्लियस के अराउंड मैंने अभी कराया है right? राइट और तो और ये डेंड्राइड्स और एक्जोन के अराउंड भी होंगी डेंड्राइड्स ये हमारे न्यूरॉन्स का पार्ट होता ओके okay? तो ये उनको भी सपोर्ट देगी ग्लियल फिलामेंट्स बेटा ये हमारे ना स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में मिलते हैं तो ब्रेन के ग्लियल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स उनके अराउंड भी होती हैं और हाइट्रोजिनस फिलामेंट्स बट आपको पता है हमारे अंदर जो मसल्स हैं मसल्स में जो फिलामेंट्स होती हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं ये आप लेटर ऑन भी पढ़ोगे मसल में प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन उसके अंदर जो फिलामेंट्स होती हैं ना वो वो यही वाली फिलामेंट्स होती हैं इंटरमीडिएट राइट तो यहाँ तक हमारा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डन अब हम लास्ट ये कर रहे हैं माइक्रोटिब्यूल्स माइक्रोटिब्यूल्स को डिस्कवर करा था बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट्स एंड फ्रेंकी ने राइट right? तो ये डिस्कवर करा था इन्होंने इन द माइलिन इन शीद ऑफ द न्यूरॉन्स। बेटा न्यूरॉन्स के अराउंड ना ये देखो ये न्यूरॉन की डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूं अभी ऊपर सेल बॉडी बनाई है ये मैंने एग्जॉन बनाई है एग्जॉन के अराउंड एक स्पेशल शीद होती है उसको माइलिन शीद बोलते हैं ये तो उसने इन न्यूरॉन्स को हम मैडुलेटेड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं मैडुलेटेड जिनके अराउंड मैलिन शीड होती है ना उनको मैडुलेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं तो इनमें डिस्कवर करे थे ये सो माइक्रोटिब्यूल्स दे आकर इन यूकोरट्स ऑब्वियसली बड़े सारे यूकोट्स में ही हैं ट इन प्रो कर इवन दे आर एबसेंट इन अमीबाबा चाहन इट इज एबसेंट इन इट इवन इट इज एब्सेंट इन स्लाइमोल एंड अमीबा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर बेटा स्ट्रक्चर से पहले ऑब्वियसली मैं इसके थिकनेस की बात करूंगी क्योंकि मैंने पहले बताया इनकी जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा है तीनों में से कितनी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन नानोमीटर्स इन थिकनेस ओके सो दे आर 20 27 सेवन नानोमीटर्स इन थिकनेस और ये अनब्रांच्ड होती हैं बाकी सारी बंडल्स वगैरह में थी है ना या ग्रुपिंग में थी ये एक्चुअली अनब्रांच्ड हैं ब्रांचिंग कोई नहीं है उनमें ब्रांचिंग फिर भी थी लेकिन ये ब्रांच नहीं होती लॉन्ग है ट्यूबलेर है खाली होती हैं ये अंदर से राइट right? और ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना ये बनी होती है एक प्रोटीन कि उस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूबुलिन इन प्रोटीन सो दे आर अनब्रांच्ड लॉन्ग ट्यूबुलर होलो खाली होती हैं ये राइट right? ये देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक माइक्रोटिबूल अब मैं आपको माइक्रोटिब्यूल बनाऊंगी आप बोलोगे कि यस हमें पढ़ा हुआ है ये देखो याद है ये मैंने आपको सीलिया फ्लाजिला के स्ट्रक्चर में कराए थे सब फाइबर्स याद है मान लो ए सब फाइबर बी और सी मैंने कहा था ए सब फाइबर कंप्लीट होती है उसमें तेरह प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं तो तेरह प्रोटोफिलामेंट्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एक ये माइक्रोटिब्यूल देखो ओके तो माइक्रो वन माइक्रोटिब्यूल कंसिस्ट ऑफ थर्टीन प्रोटोफिलामेंट्स ओके नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस तो फंक्शंस में सबसे पहले बेटा ये शेप प्रोवाइड करते हैं शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दे प्रोवाइड शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल ओके नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बट सिलिया फ्लाजिला मैंने बताया था सिलिया फ्लाजिला किसके बने होते हैं इन इन्हीं के बने होते हैं माइको टिब्यूल्स के सो दे हेल्प इन फॉर्मिंग दे हेल्प इन मूवमेंट और लोको मोशन बाई फॉर्मिंग सिलिया एंड फ्लाजेला दे हेल्प इन लोको मोशन बाई फॉर्मिंग सिलिया एंड फ्लाजिला ओके थर्ड पॉइंट बेटा ये आपको मैंने शायद पहले भी कई बार बताया कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्रोमोसोम्स मूव करते हैं और ऐसे क्रोमोसोम्स पहले सेंटर पे जाते हैं फिर ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करते हैं बेटा उनको मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स राइट right? क्योंकि माइक्रोटिब्यूल्स जो हैं वो आपको याद है ये देखो क्रोमोसोम क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर होता है सेंट्रोमियर के साइड पर ये डिस्क होती है इनको कनेटकोर कहते हैं यहां पे अटैच होती हैं माइक्रोटिब्यूल्स ताकि इनको अलग कर सकें सो दे हेल्प इन मूवमेंट दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओके नाउ अनदर पॉइंट इज़ ये ऑब्वियसली बेटा ये हेल्प करती हैं सेल प्लेट बनाने में ये चीज़ अभी आपको नहीं पता मैं समझाती हूँ सेल प्लेट क्या होती है बेटा प्लांट सेल में ना प्लांट सेल को जब डिवाइड होना होता है तो सोच के देखो प्लांट सेल के बाहर इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है तो वो डिवाइड कैसे होगा तो होता क्या है प्लांट सेल में ना ये अगर प्लांट का सेल है ये देखो प्लांट सेल के अंदर ही एक प्लेट बननी शुरू हो जाती है सेल प्लेट ताकि दो सेल सेपरेट हो जाएं सेल की वॉल डिवाइड नहीं करती किसी भी हालत में एनिमल्स में तो डिवाइड करती है एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है सेल वॉल उनकी तो मेम्ब्रेन होती है वो तो सॉफ्ट होती है वो तो आराम से डिवाइड ऐसे हो जाता है इस तरह से लाइक दिस सी ये देखो डिवाइड हो रहा है एंड फाइनली डिवाइड हो गया दो में लेकिन प्लांट्स में क्या होता है बीच में सेल प्लेट बनती है सेल डिवीजन के टाइम पे ये वाली तो ये सेल प्लेट बनाने का काम किसका होता है ट्यूब्यूल्स का होता है ओके सो सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द ट्यूब्यूल्स एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे साइटोप्लाज्म की डिवीज़न के टाइम पे सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेस टॉपिक इसी के साथ साथ हमारी हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर